नमस्ते, मैं डॉक्टर अपूर्व हूँ, यहाँ अपोलो मेडिक्स में एज स्पाइन सर्जन। बैक पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी बैक पेन के लिए हमें एक स्पाइन सर्जन, स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। तो अगर देखिए, हमारा बैक पेन या नेक पेन एक महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, हमारा नेक पेन या बैक पेन इफ़ नॉट सिवियर, ड्यूरेशन ज़्यादा हो या उसकी सिवेरिटी ज़्यादा हो, लाइक बहुत ज़्यादा बैक पेन है जो हम बेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारा बैक पेन पैरों में आ रहा है या आर्म्स में आ रहा है, तो देन अगेन वो बताता है कि आपकी नर्व्स प्रेस हो रही हैं या फिर पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, हाथों में झुंझुनाहट है, हाथों में या पैरों में वीकनेस आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है, चीज़ों को ग्रिप करने में दिक्कत आ रही है, यूरिन पास करने में तकलीफ़ हो रही है, आगे झुकने में दर्द भर रहा है कमर का, आप 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा चलने में आपको तकलीफ़ है। दूसरी बात, अगर हमारा बैक पेन इतना सीवियर है कि उसके साथ फीवर भी आ रहा है, हमें हमारा जो डाइट है वो कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये सब साइंस होते हैं कि हाँ, हो सकता है कुछ सीवियर हो रहा हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, टीबी हो रहा हो या कुछ ट्यूमर हो रहा हो, कुछ कैंसर टाइप की चीज़ हो रही हो। इन सब चीज़ों में से कुछ भी अगर परसिस्ट कर रहा है, हमें एक बार स्पाइन सर्जन का कंसल्टेशन ले लेना चाहिए।